हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं MI 4A 32 इंच की टीवी है जिसमें पैनल का फॉल्ट है। बेसिकली ये पैनल को मैंने रिपेयर करने की पूरी कोशिश की, ये रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका दोनों साइड का गेट सोर्स कॉप डैमेज है। इधर आप जो देख रहे हैं ये सब जब हमने और इवन है, ये सारे वोल्टेज इसमें ओके हैं, ठीक है। ये सारे आपको जितने CKB लाइन और इवन ये सब जो सोर्स कॉप में जा रहे हैं इस साइड और इस साइड, मैंने सबको ओपन करके देखा है, ठीक है। ये आपको सेट रेडी नहीं होने वाला क्योंकि इसका बॉन्डिंग प्रॉब्लम है, इसमें बॉन्डिंग के जाने के बाद ही ये ठीक होगा। इसमें फ़िलहाल हम आपको बेसिकली इसमें जब आपको वोल्टेज चैट का मेरा इसमें मेन मकसद आपको वोल्टेज का नॉलेज देना है कि इसमें कहाँ पर कौन सा वोल्टेज प्रजेंट होगा ये बताना है, क्योंकि ये स्केलर पूरा ओके है, इसका सोर्स कॉप में प्रॉब्लम है, तो सोर्स कॉप बॉन्डिंग पे जाने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा वोल्टेज कहाँ मिलता है। VCOM, ठीक है, HVAA, ठीक है। फिर इसके बाद आपको PGH, ठीक है, 38 वोल्ट। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा VGH हो गया, इधर VGL -8 वोल्ट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो इसका सिग्नल्स होता है जो इसके सोर्स कॉप में जाता है वो सिग्नल्स चेक करा रहे हैं आपको। यहाँ पे गेट सिग्नल्स आपको कुछ मिलेंगे जो CKB लाइन वगैरह होते हैं, इसको देखिए, देखिए CKB ये सब ओके है, ठीक है। इसका फॉल्ट है क्या, इसका सोर्स कॉप में डैमेज है बोथ साइड, अगर कोई एक साइड डैमेज होता तो ये सेट रेडी हो जाता, ठीक है। ये देखिए आप इसका वोल्टेज देखिए, फिर ABDB डायोड देखिए 15 वोल्ट, ठीक है। इसमें सारे वोल्टेज ओके हैं, पर इसको रिपेयर बॉन्डिंग पे जाने के बाद होगा। ये स्केलर 100% सही है। इसमें बैकलाइट नो डिस्प्ले था, जब इसको हमने चेक किया ये सब को ट्रैक कट करके चालू किया तो पूरे स्क्रीन में लाइनिंग है, दोनों साइड डैमेज है। ये सेट बढ़िया नहीं है, पिक्चर बढ़िया नहीं आ रही है, इसको हमें बॉन्डिंग पे भेजना होगा चाहे पैनल को रिप्लेस करना हो, क्योंकि ये पैनल में जब देखे खोल के इसे अपने ग्लास पे जब चेक किए तो सोर्स कॉप के एरिया में ग्लास साइड से वहाँ पर शॉर्टिंग था, ग्लास में बर्न है, इसलिए ये रेडी नहीं होने वाला है। इसमें सारा वोल्टेज ओके है, आप जो भी वोल्टेज चेक कीजिएगा, जैसे यहाँ पे VGH हो गया, VGL हो गया, फिर यहाँ पे आपको और भी वोल्टेज मिल जाते हैं जैसे HVAA, VCOM, फिर VAA, ठीक है, ABDD, VDD, सारे वोल्टेज ओके हैं। ये DC-DC IC सारा वोल्ट बना रही है, ये टिकोन प्रोसेसर है, ये सब में कोई फॉल्ट नहीं है, इसका फॉल्ट सोर्स कॉप से है। इसलिए इस सोर्स कॉप में बेसिक नॉलेज आपको मैं इस स्केलर, इस स्केलर का जो नंबर है उस स्केलर का आपको मेन मेरा मकसद है आपको इसका वोल्टेज चैट देना कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पर प्रेजेंट है। आप वीडियो के माध्यम से देख कर काम कर सकते हैं, आपके पास अगर ये सब ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा जिससे आपको कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा या CKV लाइन गेट लाइन से होगा तो वो कटिंग इस साइड का करके या इस साइड करके आप देख सकते हैं, लेकिन इस सेट में कुछ और ही फॉल्ट है जिसका से ये सेट रेड होने वाला नहीं है रेडी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको VGH का डायोड हुआ, ठीक है, ये देखिए ये सभी अगर ख़राब होगा, आपका बूस्टिंग नहीं कर रहा होगा तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए मेन बेसिक आपको स्केलर का वोल्टेज चैट देना था, ठीक है दोस्तों। MI 4A का पैनल है, ये पैनल रिपेयर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इसे बॉन्डिंग पे भेजना होगा, ठीक है। बॉन्डिंग पे जब सेट रेडी हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, धन्यवाद।